और अब जिक्र अपने रसूख का हवाला देकर हंगामे पर उतारू एक महिला और उसके साथी का। मंगलवार रात दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके का ये वाकया है, जहां शराब के नशे में धुत इन दोनों ने पहले दो लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और फिर हंगामा भी किया। सुबह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी वीडियो बना रही है दिल्ली पुलिस हमारी। ये है दिल्ली पुलिस का नाम जाके बैठो ना। तुम कौन हो? क्या आम आदमी, क्या डॉक्टर और क्या पुलिस, ऊंचे रसूख और शराब के नशे में चूर एक लड़की ने किसी को नहीं छोड़ा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार रात दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुआ। पुलिस के कार्रवाई को बीच में बाधित करने की कोशिश की, काफी प्रॉब्लम क्रिएट की, पुलिस के साथ बदतमीजी भी हुई। पुलिस के मुताबिक नोएडा के मित्र हॉस्पिटल के मालिक प्रशांत अग्रवाल अपनी एक महिला मित्र के साथ कनॉट प्लेस से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अपनी मर्सिडीज से बाइक पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर प्रशांत और उसकी दोस्त नशे में थे। हादसे के बाद दोनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने काफी कोऑपरेट किया, उन लोगों को काफी वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जो लेडीज और वे उन्होंने काफी ज्यादा ये करने के बाद भी हाथापाई की और मारने भी लगे वो लोग। चुपचाप बैठा रहे, जिसकी औकात है उधर जाके बात कर। चुपचाप बैठते रहे, आदमी है ना तो मुझसे बात मत कर। कौन है तू? नहीं आती मैं अपने स्टेटमेंट बहुत पहले लिख चुकी, दो घंटे पहले लिख चुकी हूँ। काम करो, मुझे काम करने दीजिए। मुझे भी काम करने दो सर, आपको पेज दे, मुझे भी काम करने दो। मुझे वो दो लड़के चाहिए जो मुझे छेड़ रहे थे। पुलिस जब लड़की को मेडिकल जांच के लिए RML अस्पताल लेकर गई, तो वहां भी महिला ने न सिर्फ डॉक्टरों से बदसलूकी की बल्कि पुलिसकर्मी के दस्तावेज भी फाड़ दिए। पुलिस ने लड़की और उसके दोस्त डॉक्टर प्रशांत के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की सहारनपुर की रहने वाली है, उसके पिता के पेट्रोल पंप भी हैं। MBA करने के बाद लड़की ने मित्र हॉस्पिटल में काम किया और वहीं उसकी दोस्ती डॉक्टर से हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर की पत्नी भी थाने पहुंच गई। हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत कुछ ऐसा हुआ कि अब दोनों आरोपियों को कानूनी शिकंजे से गुजरना होगा और ये भी सबक लेना होगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन विजय पटवाल के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।